2001 के संसद हमले की बुधवार को बरसी के दिन लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक हुई। दो शख्स मनोरंजन डी और सागर शर्मा दर्शक दीर्घा से कार्रवाई के दौरान सांसदों के बीच कूद गए, नारे लगाए और स्मोक बम निकाल लिया, जिससे सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। लगभग उसी समय नीलम और अमोल शिंदे नाम के दो लोगों ने संसद परिसर के बाहर नारेबाजी की और स्मोक बम से पीला रंग का धुआं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के तुरंत बाद सदन स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद भवन की व्यापक सुरक्षा समीक्षा की जाएगी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। विपक्ष ने इसे संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक बताया और दोनों सदनों में सरकार से जवाब और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। उन्होंने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को निष्कासित करने की मांग भी की, जिनके रेफरेंस पर लोकसभा कक्ष में कूदने वाला एक शख्स संसद में आया था। आज यहाँ अमित शाह के निजे ही नरेंद्र मोदी अमित शाह निजे घाड़े तादे दायित्व निते होबे ए सिक्यूरिटी ल्यापसेर जोन्नो कार पासे आज के ए लोकगुलो ढुकलो काके बाँचानो होच्छे बीजेपी एमपी पासे तारा ढुकेछे सेई पासेर भित्तिते ढुकेछे आज प्राय 4 घंटा 4.5 घंटा हो गेलो सेई बीजेपी एमपी के केखोनो एखोनो इंटरोगेशन करलो ना केनो। सुरक्षा में सेंध लगाकर लोकसभा कार्रवाई के बीच कूदने वाले दोनों लोगों में से एक के पिता देवराज गौड़ा ने अपने बेटे के इस कृत्य की निंदा की। ನನ್ನ ಮಗ ಮನೋರಂಜನ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ನಾವು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರ ಕಾನ್ಸಸಿ ಅವರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಮಡ್ತಾವನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಖಂಡನೀಯ ಸರ್ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಭಾರಿ ಖಂಡನೀಯ ಸರ್ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್। सागर शर्मा के परिजनों ने बताया कि वो कुछ दिन पहले दिल्ली में किसी काम को लेकर घर से निकला था। हालांकि परिवार ने कहा कि उन्हें संसद की सुरक्षा उल्लंघन में सागर के शामिल होने के बारे में नहीं पता है। तो हम खुद ही हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गए थे? अभी 2 दिन तो हुआ है उसको, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या बोल कर गया? बोल कर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों में से एक नीलम के परिवार को लगता है कि उसने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए इस काम को अंजाम दिया। जो ये बेरोजगारी चल रही है ना, छात्रों के साथ जो ये नाइंसाफी होने लग रही है।